हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। मतलब क्या है, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, इनको डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर m1 m2 आपको निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है -3,10, और एक पॉइंट ये हो गया बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,-8। क्लियर है इतनी बात। और इसको जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, वो मान लो ये कर रहा है सी पॉइंट जिसमें कोऑर्डिनेट्स हैं -1,6। ठीक है, और आपको रेशो बतानी है। ठीक है ना, ये रेशो मतलब ये जो m1 यहाँ पर होता है और m2 होता है ना, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो जब भी आपको रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपने लेट कर लेना है कि लेट द रेशो बी के रेशो वन, और फिर हम आंसर निकाल सकते हैं उसमें। समझ लो, जब भी रेशो निकालने के लिए आए तो आपको क्या करना है, रेशो को लेट कर लेना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द रेशो बी के रेशो वन। ठीक है, तो यानी कि m1 ये हो गया इसमें और m2 ये ले लिया आपने। ठीक है, अब देखो करना वैसे ही है, इसमें सेक्शन फार्मूला लगाओ, अपने आप ही m1 m2 आ जाएंगे। देखो कैसे, हमें पता है सेक्शन फार्मूला में x इज इक्वल टू में क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 होता है। ठीक है, और एक होता है y इज इक्वल टू में m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हमें पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x, y लेते थे हम, और ये होता है x2, y2, पता है ये सब हमें। ठीक है, तो देखो अब x क्या है यहाँ पर, -1। एक्चुअली में क्या होता था, ये x और y निकालने के लिए फॉर्मूला होता था, लेकिन यहाँ पर x और y दिया हुआ है तो रेशो निकालनी है तो रेशो हम निकाल देंगे। ठीक है, और रेशो में भी हमने लेट मान लिया कि k रेशो 1 है। ठीक है, तो ये x हो गया -1, m1 कितना है यहाँ पर देखो k लिया है हमने, x2 कितना है यहाँ से देखो 6 है, प्लस में m2 कितना है 1 है, और x1 कितना है यहाँ पर देखो माइनस का 3 है, अपॉन में m1 प्लस m2 दैट इज़ k प्लस में 1, क्योंकि k रेशो 1 है ना, तो m1 k है और m2 1 है, तो इस वजह से k प्लस 1 हो गया m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में जब हमें रेशो निकालनी है तो आप x वाला फार्मूला ही यूज़ करके निकाल सकते हो रेशो, या y वाला फार्मूला यूज़ करके रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, कोई एक ले लो उससे निकल जाएगा, ये नहीं कि दोनों को करने की ज़रूरत है। तो हम इससे करते हैं, देखो ज़रा यहाँ पर, तो ये k प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -1 ये रहा, और k प्लस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और इधर क्या बचा, ये 6k, और 1 इंटू -3 क्या होता है माइनस का 3, ये आया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस के यहाँ पर हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 क्या होता है -1 इज इक्वल टू में इधर है 6k माइनस में 3। देखो ये k वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर है -1 और ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3, ये है 6k और ये माइनस के इधर जाके प्लस का k, कितना आ गया ये 7k, और इधर कितना बचेगा प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो साइन तो प्लस का होगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 1 गया कितना होता है 2 होता है। तो जो k की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, 2/7 आ गई। क्या बात समझ रहे हो, तो हमें वैल्यू क्या चाहिए m1 m2 की, तो m1/m2 दैट इज़ रेशो जो होगी वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर k/1 हमने मानी थी, यानी कि k रेशो 1 हमने मानी थी, रेशो को हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन में, तो k कितना है हमारे पास देखो 2/7 है और नीचे 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2/7, और 1 के नीचे ऐसे 1 लगा के हम ऐसे रेसिप्रोकल में कर देते हैं इसको। समझ में आई कहानी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास m1/m2 कितना आ गया 2/7, तो इसका मतलब क्या है, देखो m1/m2 कितना आ गया 2/7, दैट इज़ रेशो कितनी आ गई 2:7 आ गई। आ रही है बात समझ। अब यही चीज़ हम y से भी निकाल सकते थे, करना नहीं है दोनों से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि y से भी निकल सकते थे यही सेम चीज़। तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पर ये और में कहानी भी कर रहे हैं। ठीक है, y देखो कितना था हमारे पास इधर 6 है, m1 क्या था हमारे पास k, y2 कितना है माइनस का 8, प्लस में m2 है 1, और y1 कितना है 10 है, अपॉन में m1 प्लस m2 दैट इज़ k प्लस 1, तो ये 6 और k प्लस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर बच जाएगा माइनस का 8k, ये प्लस का 10, ये आ गया 6k प्लस में 6 और ये माइनस का 8k प्लस में 10, 6k और -8k प्लस का 8k हो जाएगा इधर 10, और ये 6 इधर जाके माइनस का 6, ये आ गया 4, और 8 और 6 कितना होता है आपके पास ये 14k हो गया, तो k इजकल टू में 4/14 दैट इज़ 2, 2 2 4 हो गया, और 2 7 14, तो k की वैल्यू देखो यहाँ भी कितनी आ रही है 2/7, और यहाँ पर भी 2/7 आई थी। समझ पा रहे हो ना, इसलिए मैंने कहा था या तो x वाले से कर दो या y वाले से कर दो जब रेशो निकालने की बात हो। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारे पास m1/m2 क्या था, k/1 था, तो ये 2/7/1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2/7, तो m1/m2 दैट इज़ रेशो कितनी आ गई यहाँ से भी 2:7 आ गई। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर हुई बात या नहीं, कर लो ये क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है,
रेशो वाले ये क्वेश्चन जिनमें रेशो निकालनी होती है आपको, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।